में बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं, जनता के सामने पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। और दरअसल आपको बता दें कि सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसे में इन 100 दिन क्या कुछ काम किया गया है, उस कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया जाएगा। और इसके लिए दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सरकार के कामकाज का बखान करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बताएंगे कि 100 दिन उन्होंने और उनकी सरकार ने क्या काम यूपी में किया है, कौन कौन सी योजनाएं अब तक आ चुकी हैं, तो ये सभी काम जो है, जो उपलब्धियां हैं, ये जनता के सामने रखी जाएंगी दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और रिपोर्ट कार्ड 100 दिन का पेश किया जाएगा, जनता को बताया जाएगा कि सीएम योगी और उनकी सरकार ने 100 दिन कौन कौन से काम, कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं। अभिनव इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अभिनव, क्योंकि दोपहर 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जाहिर तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताने की कोशिश होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि उनकी और उनकी सरकार ने आखिर यूपी में 100 दिन में क्या काम किया है। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि थोड़ी ही देर में यानी 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 100 दिन की उपलब्धियां बताएंगे। योगी सरकार 2.0 का इस बार जो है क्या 100 दिन में उन्होंने काम किया है, 100 दिन में जो सरकार का एजेंडा क्या था और उस सरकार के एजेंडे पर क्या कुछ इम्प्लीमेंट रहा है। जैसे ही सरकार बनी थी उसी के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे जो मंत्री हैं उन लोगों को बाकायदे उनकी जो है उनकी बैठक की थी, देर रात तक उनकी बैठकें करते थे और 100 दिन का सबसे मैनिफेस्टो मांगा था कि 100 दिन का एजेंडा आप दीजिए कि 100 दिन में आपको क्या कुछ उत्तर प्रदेश के अपने अपने विभागों में करना है, अपने अपने विभागों को किस तरह से जो है जनहित में जारी जो भी आदेश हैं या जनहित में वो क्या कुछ कर सकते हैं। उन्हीं संयुक्त सारे लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और ये रिपोर्ट का सिलसिला पिछले एक हफ्ते से चल रहा था। सारे मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसी को कंपाइलेशन कर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के बीच में बताएंगे कि उनका 100 दिन का एजेंडा क्या था, 100 दिन में उन्होंने क्या क्या, उनके मंत्रियों ने क्या कुछ किया है और उसके बाद आगे वाले समय में क्या कुछ एजेंडा रहेगा, क्या कुछ उसकी विकास तार की योजनाएं रहेंगी, कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीज है। अब सवाल यह है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 100 दिन का एजेंडा रखेंगे उसके ठीक बाद विपक्ष भी इस पर निशाने साधेगा और विपक्ष बताएगा कि उत्तर प्रदेश की 100 दिन की सरकार कैसी रही है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 दिन के एजेंडे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अभिनव, जब पहला कार्यकाल रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस वक्त भी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी बताने की कोशिश की थी कि पहले कार्यकाल में भी कितना काम हुआ है। और आपको ये भी याद होगा कि जब चुनाव का वक्त नजदीक था, ये दूसरे कार्यकाल का जब चुनाव का वक्त नजदीक था, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने बताया था कि उन्होंने अब तक कितने काम कर लिए हैं और आगे के लक्ष्य क्या है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जनता को भी पता होना चाहिए कि आखिर कौन कौन सी योजनाएं अब तक आ चुकी हैं और आगे का मैनिफेस्टो जो है वो किस तरह से सरकार का तैयार किया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि जनता के सामने उनकी जो उपलब्धियां है वो रखी जाए जिससे कि जनता समझ सके आने वाले वक्त में भी कि सरकार ने कितना काम किया है। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि जनता को जन सुनवाई रह रही है उसके दौरान, इसके अलावा जो है जो क्षेत्रों में दौरे रहे हैं, मंत्रियों के दौरे रहे हैं, जो मंडल के जो प्रभारी मंत्री हैं उन लोगों के दौरे रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जनता को रिपोर्ट कार्ड देते रहिए। यानी उसी तरह से हो गया कि आप क्वार्टरली एग्ज़ाम देते रहिए और उसके बाद आप कितना फेल हुए और कितना पास हुए ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये एक अच्छी पहल है कि पिछले कार्यकाल में भी हर वर्ष जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे वो 100 दिन का हो गया हो, फिर 1 साल का हो गया हो, फिर 2 साल का कार्यकाल, इस तरह से हर साल वो बाकायदे मैनिफेस्टो अपना जो है एजेंडा रखते थे और एजेंडे के साथ साथ वो उपलब्धियां या क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और क्या कुछ करने हैं, नंबर एक। इसके अलावा मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब चुनाव में गई थी उस चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया था उस मैनिफेस्टो में अभी तक कितने पॉइंटों पर, सबसे बड़े महत्वपूर्ण था कि किसानों पर, किसानों को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, उसको वो क्या पूरा अभी तक हो पाया या हो नहीं पाया, तो उस पर कितनी फैस है, बीमा योजना के तहत, इसके अलावा जो है फसल गारंटी योजना, ये तमाम ऐसा, इसके अलावा रोजगार गारंटी योजना,
सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख जो मुद्दे हुए मुद्दे है वो है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले दिनों कानपुर से लेकर प्रयागराज सहारनपुर में जो भी घटनाएं हुई हैं निश्चित तौर पर विपक्ष ने उस पर निशाना साधा था। सरकार उस पर भी आज जो है जवाब जरूर देगी। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अब तक कितने रोजगार दिए गए या रोजगार के देने की क्या कुछ पहल है या क्या उसमें उसमें चल रहा है, कितने अभी तक जो है कितने लोगों को रोजगार देने की बात चल रही है, ये सरकार की उपलब्धियां हैं। सड़क एक ये सरकार की उपलब्धियां जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएंगे और जनता के सामने ये भी बताएंगे कि अभी तक धरातल पर क्या कुछ काम हुए हैं और आगे के लक्ष्य क्या कुछ हैं। अभिनव, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।